हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने बताया है कि कैसे स्क्रू बैरल को चेंज करते हैं और कैसे कैसे क्या करना पड़ता है और किस कारण से हमें स्क्रू बैरल को चेंज करना पड़ता है, इसका भी डिस्कशन किए हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने इस चैनल पर शाम को 7 बजे शनिवार और मंगलवार को लाइव भी आता हूँ, जिसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन एंसर का वीडियो रहता है और जो जॉब कुछ रिक्वायरमेंट्स आती है अपने पास उसको भी हम शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस मशीन में क्या कमी आ गई कि हमको स्क्रू और बैरल इसका चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए, हम आपको पूरा स्टेप टू स्टेप बता रहे हैं कि इसमें क्या कमी आई है कि इसका स्क्रू बैरल हम लोग चेंज कर रहे हैं और कैसे चेंज कर रहे हैं पूरा देखिए आप, ठीक है। तो देखिए अभी इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं, पूरा ये डाई ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद से ये पूरा हेड यहाँ तक का उतार लेंगे, उसके बाद से फिर स्क्रू निकालेंगे, सब कुछ हम स्टेप टू स्टेप आपको दिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और देखिए हमें जब स्क्रू बैरल क्या है कि हमारा जब स्क्रू ख़त्म हो जाता है, मतलब स्क्रू हमारा घिस जाता है या बैरल घिस जाता है, ठीक है। ये देखिए अभी उतार लिया गया, इसको पूरा वीडियो आप देखते रहिएगा। तो जब स्क्रू और बैरल हमारा घिस जाता है, जब उसमें प्ले आ जाता है स्क्रू और बैरल के बीच में, जैसे ये स्क्रू है और ये बैरल है, ठीक है। तो बैरल का जैसे जो आईडी है थोड़ा सा बढ़ जाता है या स्क्रू का जो ऊपर का चैनल होता है वो घिस जाता है, ठीक है। तो हमें अपना स्क्रू और बैरल चेंज करना पड़ता है। कभी बैरल नहीं घिसता है तो स्क्रू घिस जाता है, तो बस स्क्रू चेंज करना होता है, ठीक है। लेकिन हम स्क्रू और बैरल सब चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स जब भी मतलब प्ले आ जाता है, जब भी हमारा प्रोडक्ट में क्या होता है कि बर्निंग आने लग जाता है, बर्निंग बोले तो मतलब जला हुआ आने लग जाता है माल, ठीक है, या फिर से काफ़ी ज़्यादा मतलब ओवर हीट होने लगता है, ठीक है, बैरल हमारा ओवर हीट होने लगता है तो भी स्क्रू अपना ख़त्म हो जाता है। और फिर से क्या है कि जो बैक मार रहा था स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा है कि जो बैक कर रहा था माल को वो वैक्यूम के रास्ते, वैसा बैक करने लग जाता है, ठीक है, लोड वेरिएशन होने लग जाता है, तो मतलब स्क्रू ख़त्म हो गया है, स्क्रू अब नहीं चलने वाला है। और साथ में बैरल भी देख लेना चाहिए कि बैरल में भी कहीं घिसने का वो ना दिखाई दे रहा हो, अगर वो बैरल भी घिस गया है तो बैरल भी चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम होता है और इसी वजह से हमें स्क्रू और बैरल चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये फीडर है, फीडर हटा रहे हैं, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम होता है जब भी हमारा मतलब लोड वेरिएशन ज़्यादा होने लग गया या फिर से हमारे पाइप में बर्निंग का मार्क बराबर आने लग गया। आप पूरा डाई और मैनुअल साफ करके देख लिए, स्पाइडर साफ करके देख लिए, तो मतलब स्क्रू बैरल से ही बर्निंग आ रहा है, यानी मतलब स्क्रू और बैरल के बीच में प्ले आ गया, ठीक है। तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा स्क्रू बैरल को, ठीक है। तो वही हम लोग चेंज कर रहे हैं, देखते रहिए पूरा वीडियो, ठीक है। अभी देखिए अभी जो हॉपर से माल जो इसमें था फीडर में, वो फीडर चला के अभी माल बाहर निकाल रहे हैं लोग, ठीक है। तो इसको बाहर निकालने के बाद से पूरा हीटर ओपन करेंगे, उसके बाद से स्क्रू को निकालेंगे, सब कुछ देखिएगा अच्छे से, काफ़ी अच्छे से समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अभी हीटर खोला जा रहा है, ठीक है, वही पूरा ये भी ब्लोअर भी खोला जाएगा ये, ठीक है, इसको भी हटाना है। और हीटर को यहाँ से पर ये तो कवर था और ये मेन हीटर है, इसको भी हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद से गियर बॉक्स से छुड़ा के और स्क्रू को बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और इसमें कुछ भी अगर आपको ना समझ में आए, ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। हाँ, और अच्छा लगे वीडियो तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे, ठीक है। अभी ये फीडर का वायरिंग हटाया जा रहा है, जो
मेन वायर होता है, ये अपना जो वैक्यूम है इसको भी हटाएंगे। यहाँ से ये वैक्यूम से भी माल बाहर फेंकने लगता है, ठीक है। तो वैक्यूम से माल जब बाहर फेंक रहा है तो आपको अगर मतलब कंपाउंडिंग सही है, हीटिंग सही है, पूरा हीटिंग डाई जोन तक का सही है और यहाँ से माल बैक कर रहा है तो हीटर मतलब आपका स्क्रू ख़त्म हो गया है, स्क्रू में प्ले आ गया है बैरल और स्क्रू के बीच में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और इसको आप ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, और इसके बारे में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको ना समझ में आए या फिर किसी और चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं इसमें तो आप कमेंट्स कर दें। गियर बाग से हटाने के बाद इस बैरल से स्क्रू को बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। स्क्रू को बाहर निकाला जा रहा है, एक एक करके निकालना होता है। ये कोनिकल टाइप स्क्रू है, ठीक है। इसमें भी स्क्रू के भी टाइप्स होते हैं, तो ये कोनिकल टाइप का स्क्रू है। स्क्रू का भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, पूरा इसके बारे में बताया है कि किस चैनल को क्या कहते हैं और कितने जोन्स हैं, ठीक है। देखिए पूरा हीटर भी हटा दिया गया, अब इस बैरल को भी हटा दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए पूरा हीटर और ब्लोअर खोल के किनारे रख दिया गया है, अब नया बैरल इस पर लगा देते हैं। उसके बाद से फिर से ये वैक्यूम का था, ठीक है, इसको अब हटाएंगे और फिर से नया बैरल यहाँ पे फिट करेंगे और उसके बाद से उसमें स्क्रू को भी फिट करेंगे और फिर से इसको उसमें गियर बॉक्स में फिट कर देंगे, ठीक है। जो इसको उतार के यहाँ पे रख दिया गया, इस टाइप का स्क्रू होता है, ठीक है। अब देखिए ये स्क्रू डाला जा रहा है इसमें, ये कोनिकल टाइप का स्क्रू है, ये पैरेलल स्क्रू भी आता है, तो ये कोनिकल टाइप का स्क्रू प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा होता है लेकिन इसका मेंटेनेंस काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। प्रोसेसिंग के हिसाब से देखेंगे तो कोनिकल टाइप स्क्रू जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसमें बहुत अच्छे से प्रोसेसिंग होता है अपना पीवीसी मटेरियल। ठीक है, इसको लगाने के बाद इसके बाहर से एक प्लेट भी लगेगा, उसको भी लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा नया है, इसको अंदर धक्का देने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसको लगा के और इसके बाहर से प्लेट लगा देंगे, ठीक है, और इसको चेक कर लेंगे कि हमारा जो स्क्रू है वो सही डायरेक्शन में लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक वायर डाल के और इसको नचाने पे देखिए आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब ये सही है, ठीक है। अब इसको धक्का देके और उसमें फिट कर देंगे, ये पहले प्लेट लगा लेते हैं उसके बाद, ठीक है। इस पर प्लेट लगेगा, इसको अच्छे से काफ़ी अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए अब ये प्लेट यहाँ पे फिट करेंगे, ये प्लेट इसमें फिट करके और उसके बाद से इसको धक्का देके और इधर लगा देना है, ठीक है। ये स्क्रू उसके बाद से इसको सभी को फिट करना है, ये स्क्रू अभी आ गया पूरा, ठीक है। अब इस पर पूरा हम फिट करेंगे और जो सामने जो दो दिखाई दे रहा है वो गियर बॉक्स का कपलिंग है, उसी में इसको फिट कर देंगे। अब इस पर इसके बैरल के ऊपर अपना जो हीटर है उसको चढ़ाएंगे और कवर लगाएंगे, ब्लोअर लगाएंगे, उसके बाद से इसको फिर से चालू कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको लास्ट तक देखिए कैसे कैसे क्या क्या किया जा रहा है। अभी ये वाला हीटर लगाएंगे, देखिए ऐसे लगा के लगा दिए लोग सभी,
अब इसके ऊपर कवर लगा देना है, आगे ढाई फिट हो जाएगा और ढाई फिट हो जाएगा, उसके बाद से इसे इसको चलाया जाएगा। और फ्रेंड्स, इसमें आप कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या कहीं किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना है, जानकारी चाहिए, तो यहाँ कमेंट्स भी कर सकते हैं, या फिर से कुछ ज़्यादा डीपली जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बस आप व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करें, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करें, या बहुत अर्जेंट हो, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है मशीन में, आपके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस इमरजेंसी केस के लिए ही आप व्हाट्सएप कॉल ही कीजिएगा, और वैसे नहीं तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अभी पूरा फिट करके अभी डाई वाई भी लग गया, और इसके बाद से सब हीटर लगा के सब हीटर एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद से हम इसको इसका एक्सट्रूडर चालू करेंगे, ठीक है। उसका सभी को फिट करेंगे, यहाँ पे उसका जो अपना वायर है वो ला के यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वायर है उसमें कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आया है, ठीक है। ये अपना आपका मिनरल और ये डाई, ठीक है, इसी को वहाँ पे लगाएंगे। लगाने के बाद से इसको हम चालू करेंगे, यहाँ पे लगेगा, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया जाएगा और इसके ऊपर डाई फिट हो जाएगा। उसके बाद से फिर से मशीन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।